जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा ने प्रदेश के कई धान मंडियों में प्रदर्शन किया। किसानों की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि सोसाइटी में तनखे देने की स्थिति नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा संकट यह है। ऐसे कई मांगों को लेकर आज भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धान का मुद्दा व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में और सभी सोसाइटी में जाके प्रदर्शन करने के लिए आह्वान किया है, और किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का के आह्वान पर यह आंदोलन की भूमिका रखी गई है। इसमें महत्वपूर्ण 2-3 विषय हैं जिसमें और सरकार का ध्यान आकर्षित भी करना है, और जो नेशनल लॉस होता है, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए भी, जो धान सड़े हुए हैं उसके व्यवस्थापन के विषय, कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में धान अभी तक 60-70% ही खरीदी हुई है, वहाँ पे ये समय 15 दिन बढ़ाने की प्रमुख मांग को लेकर किसान आंदोलित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है, बफर स्टॉक की लिमिट से 2-3-4 गुना ज़्यादा धान का स्टॉक भाग हो चुका है, और ये निश्चित रूप से जब तक परिवहन नहीं होगा सोसाइटी के घाटे का कारण यही है। सूखत जो होता है, सूखत की क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, और सूखत की क्षतिपूर्ति ना होने की वजह से सोसाइटी और सोसाइटी में तनखे देने की स्थिति नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा संकट यह है। तो एक राष्ट्रीय क्षति, और दूसरे विषय कि किसानों के लिए आज फिर से एक संकट पैदा हुआ है कि यूरिया की किल्लत आज अलग अलग सोसाइटी में मांग हो रहा है, उसके लिए भी मांग लेकर किसान आंदोलित है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा जो प्रदेश की धान मंडियों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह घड़ियाली आंसू है। भाजपा पर तंज कसते हुए अमरजीत भगत ने कहा कि दिखावा करने के लिए कर रहे हैं कि आगे क्या जवाब देंगे। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि जो सभी धान खरीदी केंद्रों में जा करके हमारे विपक्ष के मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू है। इसको बोलते हैं ना कि दिखावा करने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे। जब बारदाना का दिक्कत आता है, धान खरीदी में दिक्कत आता है, कस्टम मिलिंग में और केंद्रीय पूल में चावल करने में दिक्कत आता है, कहीं भी ना एक इनका बयान देखने को मिलता है, ना कहीं पर समाचार पत्र मिलता है, ना केंद्रीय अपने नेतृत्व से कभी इस संदर्भ में बात करते हैं। तो केवल राजनीति के लिए प्रदर्शन करना, केवल दिखावाबाजी करना, उसको खूब जनता समझती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।